इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस और विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यूज़ करके। मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 वर्ज़न। आप किसी भी वर्ज़न में ये डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमको सेटअप करना है, तो सेटअप करने के लिए आपको जाना है पेज लेआउट मेनू में और मार्जिन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नैरो सिलेक्ट करना है। फिर साइज़ पर क्लिक करना है, देन मोर पेपर साइज ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो विथ है वो हमें असाइन करना है 8.63 और हाइट जो है हमें असाइन करना है 5.08। इस तरीके से आप ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपको पेज डिस्प्ले होगा। अभी आपको इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और फ्री फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आप डिज़ाइन कीजिए। इसका जो शेप आउटलाइन है वो नो आउटलाइन क्लिक सिलेक्ट कर लेना है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट शेप्स ऑप्शंस पे क्लिक करना है और एडिट पॉइंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पहले इस तरीके से क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ से ड्रैग कर लीजिए। फिर आप इधर क्लिक कीजिए और ये जो एरो दिख रहा है इस पर इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। अभी इस पे राइट क्लिक करना है। फॉर्मेट शेप में भी जाके कर सकते हैं या डायरेक्ट आप शेप फिल पे चले जाइए और येलो कलर असाइन कर दीजिए। फिर वापस शेप फिल पे जाइए और मोर फिल कलर्स पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे कस्टम में जाना है, कस्टम टैब में और यहाँ पे कस्टम कलर असाइन कर देंगे। ओके कर देना है। इस तरीके से आपका कलर असाइन हो जाएगा। अभी इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ले लेंगे, इसका जो शेप फिल में जाकर ब्लैक कलर कर देंगे और इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। इसे बैकवर्ड सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके बैक साइड कर लेना है। फॉर्मेट्स में आना है, एडिट शेप्स में एडिट पॉइंट्स सिलेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा इस तरीके से आप कर दीजिए। फिर से फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट्स में एडिट पॉइंट्स, थोड़ा सा एडजस्ट इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अभी आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप्स में जाना है, फ्री फॉर्म सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका जो शेप आउटलाइन है इसे नो आउटलाइन कर दीजिए और एडिट शेप ऑप्शंस पे क्लिक करके एडिट पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसे थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना है।
थोड़ा यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेंगे, और इसका जो शेप कलर है वो ब्लैक डाल दीजिए। इस तरीके से, और भी इसमें अगर आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से करना है तो हम इसको और इस तरीके से कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, फ्री फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप इस तरीके से इसका जो शेप आउटलाइन है नो कर दीजिए। कलर आपको ये इसे भी असाइन कर दीजिए सेम कलर। इसको बैकवर्ड में डाल दीजिए। यहाँ से एडिट शेप ऑप्शन से एडिट पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लीजिए। इसका जो कलर है वो शेप फिल में जाके ब्लैक कर दीजिए, इसे बैकवर्ड में डाल दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से एडिट सेव ऑप्शंस पे क्लिक करके थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ओवल और शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से इस तरीके से सर्कल कर लीजिए। इसका शेप आउटलाइन हम ब्लैक रखेंगे और जो शेप फिल है वो हम ये कलर असाइन कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो कोई भी ले लेंगे फॉर्मेट। इसको हम यहाँ से नो स्पेस में नोट करके यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट डाल रहा हूँ। अभी इंसर्ट करना है एक टेक्स्ट,
जिसमें हम नेम टाइप करेंगे, इसको भी हम इसमें होम में जाके नो स्पेस इसको बोल्ड कर देंगे। इसको वाइट कर देंगे, इसको येलो कर देंगे। पेज कलर हम यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शंस में जाके इंसर्ट में जाकर लाइन इस तरीके से ऐड कर देंगे। ओवल ले लेंगे शेप्स में से, नो आउटलाइन। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ले लेंगे। इंसर्ट से पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे।
इस तरीके से इमेज असाइन कर देंगे होल में। अभी हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो डिज़ाइन हो जाएगा। और इस तरीके से एमएस वर्ड में इजीली आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे से डिज़ाइन कर सकते हैं विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड। सो गाइज, टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। अस्सलाम वालेकुम।